नमस्कार, मैं रेनू सैनी आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जल्दी ही देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS मिलने जा रहा है। CDS 4-स्टार जनरल के अफसर होंगे। यह पद सचिव स्तर का होगा तथा CDS सैन्य मामलों के विभाग का नेतृत्व करेगा। देश का पहला CDS कौन बनने जा रहा है इसके बारे में तो कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल तो थल सेना जनरल बिपिन रावत इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वे 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके रिटायर होने से पहले ही उन्हें CDS बनाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। अब यह जानते हैं कि आखिर किन कारणों से भारत में CDS के पद का सृजन किए जाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, यह तो हम सभी को मालूम है कि सन 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में वायुसेना को कोई भूमिका नहीं दी गई थी, जबकि वह तिब्बत की पठारी पर जमा चीनी सैनिकों को निशाना बना सकती थी और उनके बीच तबाही मचा सकती थी। इसी तरह वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में नौसेना को पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमले की योजना से अवगत नहीं कराया गया था और ऐसा ना करने के कारण भारत को अनेक समस्याओं एवं मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। चीफ ऑफ डिफेंस के होने पर इस तरह की कोई खामी नहीं रहेगी और इससे शत्रुओं के साथ मुकाबला करने में सहजता होगी। आखिर सरकार को CDS के पद को सृजित करने का विचार कब आया, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1999 में कारगिल समीक्षा समिति ने सरकार को एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सृजन का सुझाव दिया था। CDS मुख्यतः रक्षा और रणनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। CDS बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इसे युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच में प्रभावी समन्वय कायम किया जा सकेगा। इससे दुश्मनों का सक्षम तरीके से मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। आखिर तीनों सेनाओं को जब पल पल की खबर मिलती रहेगी तो उनमें यूनिटी बढ़ेगी। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि CDS के दायित्व क्या क्या होंगे। दोस्तों, CDS रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अपनी सेनाओं से संबंधित सलाह रक्षा मंत्री को पहले की तरह देते रहेंगे। CDS के पास तीनों सैन्य प्रमुखों समेत कोई मिलिट्री कमांड नहीं होगा। वह डिफेंस प्लानिंग काउंसिल के सदस्य होंगे और CDS अनुमानित बजट के अनुसार सेनाओं के अंदर प्रस्तावों की प्राथमिकता को तय करेंगे कि किस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और किसको अस्वीकृत कर दिया जाए। CDS बनने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन भी करना होगा, जैसे कि वह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई भी सरकारी पद लेने के पात्र नहीं होंगे। पद छोड़ने के बाद 5 साल की अवधि में वह सरकार की आज्ञा के बिना किसी निजी रोजगार को भी हासिल नहीं कर सकेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि CDS पर तीनों सेनाओं की पूरी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में उन्हें रक्षा से संबंधित लगभग सभी सूत्रों की जानकारी भी होगी। रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा कारणों से प्रमुख को केवल अपने तक ही सीमित रखना होगा और रखना भी चाहिए। अभी तक यह पद इटली, फ्रांस, स्पेन, चीन, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम में है। इन देशों में यह पद होने से यहाँ की रक्षा प्रणाली काफ़ी मजबूत हुई है। भारत में इस पद का सृजन होने के बाद निश्चय ही भारत का रक्षा तंत्र और तीनों सेनाएं अधिक विश्वासी, एकरूप और मजबूत बन जाएंगी। किसी भी देश की प्रणाली का मुख्य तंत्र उसकी अर्थव्यवस्था एवं रक्षा क्षेत्र पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। यदि अर्थव्यवस्था दुरुस्त और रक्षा क्षेत्र चौकस हो तो देश सहजता से विकास के पथ पर बढ़ता है और वहाँ के निवासियों को निर्भीक, स्वतंत्र एवं स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित ही CDS पद के भर जाने पर देश की प्रगति एवं रक्षा को नए पंख लगेंगे और हर युवा में जोश व उत्साह के स्वर बुलंद उठेंगे। जय हिंद, जय भारत।